हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSDJ ब्लॉग नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास दो ड्राइव यूनिट होते हैं, एक 100 वोल्ट वाले होते हैं जो लाइन वोल्ट वाले होते हैं, और एक हमें ओम वाले होते हैं। वोल्ट वाले का पहचान होता है कि उसमें लगभग आधा मीटर का वायर निकला रहता है, जो प्लस और माइनस या नेगेटिव और पॉजिटिव का वायर देखने को मिलता है। और जो ओम वाले ड्राइवर यूनिट होते हैं उसमें दो पोल देखने को मिलता है, जिसमें प्लस और माइनस का सिंबल दर्शाया हुआ होता है, उस पर हम वायर कनेक्ट करते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से फुल जानकारी देने वाले हैं कि इस दोनों ड्राइवर यूनिट का कहां कहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि दोनों ड्राइवर एक तरह का नहीं होता है, दोनों का अलग अलग कनेक्शन होता है। कितने ओम पे कितना पे चलेगा जो ओम वाला होता है, और कितने वोल्ट पे कितना चलेगा ड्राइवर यूनिट जो वोल्ट वाला होता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस इस ड्राइवर यूनिट के कनेक्शन के बारे में बताएंगे, तो आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली गाइस, हमारे पास ये दो ड्राइवर यूनिट यही है, जो ये ओम वाला ड्राइवर यूनिट हो गया। पे रेड और ब्लैक का वायर पोल देखने को आपको मिल जाएगा, जो अहुजा 40 वाटेज का ये ड्राइवर यूनिट है, जिसका इम्पीडेंस 16 ओम है। ये वोल्ट वाला ड्राइवर यूनिट मेरा हो गया। तो इस दो टाइप का ड्राइवर यूनिट आता है, तो हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि इस दोनों ड्राइवर यूनिट को एक ही में कनेक्ट करें तो अच्छा चलेगा, कि अलग अलग कनेक्ट करेंगे तो अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर। हम इस वीडियो में इस दोनों ड्राइवर यूनिट के बारे में बात करेंगे कि एम्पलीफायर पे कैसे इस दोनों को कनेक्ट करेंगे ताकि साउंड क्वालिटी अच्छा है। अगर आप लोग दोनों को कनेक्ट एगुड़े में कर देते हैं तो ऐसे एम्पलीफायर पे आपका लोड हो जाएगा और ड्राइवर यूनिट भी आपका जल जाता है। सिंपली गाइस, ये रहा हमारा अहुजा SS250DP, जो इसका यहाँ पे मॉडल नंबर है। ये 250 वाटेज का एम्पलीफायर है, लगभग ये 300 वाटेज आपको RMX निकाल कर ये देगा। दोस्तों, इसके बारे में फुल रिव्यू हम किए हैं, इसका अगर वीडियो चाहिए तो हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका लुक देखने को मिलता है, जो 250 वाटेज का अहुजा का एम्पलीफायर जो होता है। तो फाइनली दोस्तों, इसके हम चलते हैं बैक पैनल पे, कि इसके बैक पैनल पे हम कितना ओम पे कितना ओम वाला ड्राइवर यूनिट चला सकेंगे और वोल्ट वाला कितने हम चला सकेंगे। तो फाइनली दोस्तों, इसके हम बैक पैनल पे आ जाते हैं। तो बैक पैनल कुछ हमको इस तरह का इसका देखने को मिलता है, जो इस तरह का इसका बैक पैनल है। यहाँ पे AUX 1 और AUX 2 सिग्नल कनेक्टेड के लिए दिया है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हमको दो पोल देखने को मिलता है, एक रेड और एक ब्लैक। आपके पास अगर एम्पलीफायर 250 वाटेज का होगा तो आप देखिएगा, स्पीकर कनेक्टेड के लिए एक रेड पोल दिया रहता है और एक ब्लैक पोल दिया होता है। ब्लैक पोल जो वहाँ पे लिखा रहता है 4 ओम और 8 ओम, और जो रेड पोल रहता है उस पर लिखा रहता है 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो दोस्तों, यहीं पे हम समझेंगे कि जो ड्राइवर यूनिट दो तरह का होता है, एक ओम वाला होता है और एक वोल्ट वाला होता है। तो फाइनली दोस्तों, हम चलेंगे ओम वाले कनेक्शन के मामले में। तो जो अहुजा जो 40 वाटेज का जो होता है ड्राइवर यूनिट, तो उसका इम्पीडेंस 16 ओम होता है। तो 16 ओम जब इसमें होता है तो हमको यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए मिल रहा है 8 ओम और 4 ओम। अगर आपके पास 120 वाटेज का एम्पलीफायर रहेगा अहुजा का, तो उसमें 16 ओम का कनेक्शन के लिए देता है, यानी उस एम्पलीफायर पे आप लोग एक ड्राइवर यूनिट को भी चला सकते हैं। बट यहाँ पे आप लोग एक ड्राइवर यूनिट नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ओम का ही ऑप्शन दिया रहता है। तो आप इसमें जब भी चलाइएगा तो दो ड्राइवर यूनिट चलाइएगा, ओम वाला वोल्ट वाला आप एक भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों, जब भी हम लोग चलाते हैं तो दो ही ड्राइवर यूनिट चलाते हैं, चाहे ओम वाला हो चाहे वोल्ट वाला हो। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि इस पे हम ना ओम वाला कनेक्शन कर सकते हैं, जो ओम वाला ड्राइवर यूनिट होता है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे 8 ओम दे रहा है, यानी हम ड्राइवर यूनिट यानी एक मेरा ड्राइवर यूनिट 16 ओम का हुआ। तो हम उसको डबल कनेक्शन करेंगे, एक ड्राइवर यूनिट का जो नेगेटिव पोल होता है यानी माइनस पोल जो होता है उसको एक तरफ, और जो प्लस पोल होता है उसको एक तरफ वायर कनेक्ट कीजिएगा। तो वो 16 ओम से आपको कन्वर्ट होकर बन जाएगा पैरेलल कनेक्शन के माध्यम से 8 ओम बन जाएगा। आप यहाँ से जो ब्लैक तार आता है कम पर कनेक्शन कर दीजिएगा, और जो रेड वायर रहता है इस पर 8 ओम पे कनेक्शन कर दीजिएगा, आपका दो ड्राइवर यूनिट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलता रहेगा।
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि 250 वाटेज के एम्पलीफायर और दो कनेक्शन करेंगे तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। वहाँ पे आप अपने वॉल्यूम को थोड़ा कम रखें और अपने अनुसार से चलाएं कि मेरा ड्राइवर यूनिट कटे नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेंगे कि इसमें 4 ओम पे कैसे कनेक्शन करेंगे। तो 4 ओम पे देखिए कनेक्शन करने के लिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे 4 हम ड्राइवर यूनिट ले लेंगे जिसको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, यानी रेड वायर चारों का एक तरफ और ब्लैक वायर चारों का एक तरफ पैरेलल कनेक्शन यही होता है। तो इन चारों कनेक्शन को एक में करेंगे तो यहाँ से जो ये एक मेरा ड्राइवर यूनिट 16 ओम का हुआ, तो वहाँ से चारों को कनेक्शन जब पैरेलल में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओम पे, यानी डबल मिला के 8 ओम हुआ और डबल को पुनः कर देंगे 8 ओम से तो ये बन जाएगा 4 ओम। तो आप यहाँ से 4 गो ड्राइवर यूनिट इस पे रन कर सकते हैं जिसका ब्लैक वायर कॉम में रहेगा और रेड वायर 4 ओम में कनेक्शन रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आप 4 को ड्राइवर यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें 6 ड्राइवर यूनिट आप चला सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओम वाला भी आप चला सकते हैं 6 को चलाने के लिए आपका क्या होगा, आपका सीरीज में कनेक्शन करना होगा। रहा बात दोस्तों सीरीज मोड में कैसे करते हैं, तो सीरीज मोड में जो ओम वाला होता है, अगर आप उसको मान लीजिए आपका एक ड्राइवर यूनिट हो गया 16 इम्पीडेंस का, यानी 16 ओम इम्पीडेंस का, अगर आप उसको सीरीज में कीजिएगा। सीरीज मतलब क्या होता है, आपका पहला ड्राइवर यूनिट का जो रेड वायर रहेगा उसके दूसरे ड्राइवर यूनिट के जो ब्लैक वायर रहेगा उस पर कनेक्ट होगा और दोनों तरह से निकल के आएगा, जो रेड और ब्लैक निकल कर आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा ड्राइवर यूनिट 16 से यानी 32 ओम का हो जाएगा। तो इस तरह से आप करके यहाँ पर एडजस्ट करके आप अपना इसमें 10 या 12 ड्राइवर यूनिट भी आप इसमें ओम पर चला सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो वोल्ट वाला होता है जिसके ड्राइवर यूनिट लगभग आधा मीटर का वायर निकला रहता है उसमें, और उसके पीछे बैक पैनल पे एक स्विच दिया रहता है, उसको हम कनेक्शन बढ़ा घटा सकते हैं उसका साउंड क्वालिटी। तो उस ड्राइवर यूनिट को आप यहाँ पर कितना कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए जो 100 वोल्ट का ड्राइवर यूनिट होता है उसका ब्लैक तार COM में रहेगा और रेड वायर 70 वोल्ट और 100 वोल्ट पर कनेक्शन होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे मेरा एम्पलीफायर 250 वाटेज का है, ये 300 वाटेज तक लोड निकाल कर देगा, तो इसमें 6 ड्राइव यूनिट 40XT यानी 40 वाट का जो ड्राइव यूनिट होता है आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं, उसको पैरेलल कनेक्शन कीजिएगा, यानी टोटल ड्राइव यूनिट का रेड वायर एक में और ब्लैक वायर एक में टोटल को कनेक्शन करके यहाँ पे जो ब्लैक वायर आपका आएगा यहाँ पे कॉम में डालिएगा और जो रेड वायर रहेगा यहाँ पे 100 वोल्ट पे कनेक्शन कीजिएगा, तो आपका इजीली 6 ड्राइवर यूनिट हैंडल यानी रन करता रहेगा लॉन्ग टाइम, कोई ड्राइवर यूनिट जलने का कोई चांस नहीं रहेगा, आपका साउंड क्वालिटी भी बहुत बेटर निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ गए कि इसमें हम वोल्ट वाला कनेक्शन किस पोल पर कर सकते हैं और जो ओम वाला ड्राइवर यूनिट होता है आप ओम वाले पे कनेक्शन कर सकते हैं। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है दोस्तों कि जो ओम वाला ड्राइवर यूनिट होता है उसका पहचान है कि उस पर उसमें वायर आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसका पोल देखने को मिलता है जहाँ पे नेगेटिव यानी माइनस और प्लस का सिंबल दर्शाया हुआ रहता है, आप वहाँ से वायर ले जाकर उसमें इंसर्ट करते हैं। और जो वोल्ट वाला होता है उस पर लिखा रहता है 100 वोल्ट ड्राइवर यूनिट, उसमें वायर निकला रहता है जो रेड और ब्लैक का होता है, तो वो वोल्ट वाला हो जाता है। जो उसके बैक पैनल पे एक स्क्रू रहता है वहाँ पे सिंबल लिखा रहता है कि आप 5 वाट पे चलाना चाहते हैं या 20 या 30। यहाँ पे देखिए वोल्ट वाले चलाने से एक फ़ायदा और रहता है दोस्तों कि वोल्ट वाला ड्राइवर यूनिट अगर लॉन्ग दूर तक भी लगाइएगा और कुछ दूर तक भी लगाइएगा तो उसका आवाज़ नहीं दबता है, यानी उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसके चलते उसका आवाज़ क्वालिटी यानी सिग्नल दबने नहीं देता है, आवाज़ आपको बेटर क्वालिटी का निकाल कर देता है। उसको आप 30 वाट या 40 वाट या 20 वाट पर भी कन्वर्ट करके चला सकते हैं, वोल्ट वाले ड्राइवर यूनिट में यही फ़ायदा होता है। बट ओम वाला भी ड्राइवर यूनिट बहुत ही बेटर है, ओम वाला ड्राइवर यूनिट बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आवाज़ निकाल कर देता है। तो आपको बिल्कुल हम यहाँ पे बता दिए कि जो ओम वाला ड्राइवर यूनिट होता है यहाँ पे जो ब्लैक सॉकेट होता है वहाँ पे कनेक्ट होता है, और जो वोल्ट वाला ड्राइवर यूनिट होता है वहाँ पे 100 वोल्ट और 70 वोल्ट लिखा रहता है वहाँ पे कनेक्शन कीजिएगा। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेके या इस एम्पलीफायर या ड्राइवर यूनिट के लेके कुछ क्वेश्चन उठ रहा है आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।